सड़क पुल और फ्लाईओवर बनाने के नाम पर कितने पैसों का घपला हुआ, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके सारे सबूत हैं हमारे पास। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से मैं कोर्ट में एफिडेविट। ये सबूत उसके हाथ कैसे लग गए? वो लाल फाइल कहाँ है? खो गई वो मुझसे। ये सब लिख के क्यों रखते हो? एक ने अपने हिस्से का खाया है, कल को कोई उठ के मुझे नहीं बोलेगा क्या कि मेरा हिस्सा कहाँ गया? सबके लिए फाइल बना के रखनी पड़ती है, आखिर चोरों के साथ काम कर रहा हूँ ना। चोर कौन है वो सबको पता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे जिले के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 500 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें मुझे क्या मिला? अरे 250 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री ढकार गया और जो बाकी बचा वो पीडब्ल्यूडी को मिला। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पूछो ना। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के? गांठ मार के। बाकी 200 करोड़ का क्या हुआ बता? वो तेरी माँ की शादी में मंडप में खर्च हो गए। बात करता है, सबने अपने अपने हिस्से का पैसा खाया है और अब ये इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो। हमें तो सिर्फ 25 करोड़ मिला और वो भी हमने काम में लगा दिया। हाँ मालूम है, काम किया है 6 रुपए का और बिल लगाया 26 करोड़ का। इलेक्शन के समय जब हमारे सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हो कि फंड दो, तो हम कहाँ से गोद के निकालेंगे? जितना पैसा अंदर किया है उसके आधे का भी काम करते तो पब्लिक खुश हो जाती। इस इलाके की सिंचाई के लिए 3000 करोड़ LIC से कर्जा लिया था, कहाँ है सारा पैसा? कहते हो कि खर्च हो गया, अरे उसमें से तो छोटी सी नाली भी नहीं बनी अब तक। नाली तो हमने बनाई थी लेकिन जैसे ही नाली में पानी छोड़ा सीमेंट बह गया। क्यों? क्यों? क्योंकि मंत्री जी ने अपनी भाभी के पिताश्री से सीमेंट खरीदने को बोला और पिताश्री ने सीमेंट के बदले चूना देके चूना लगाया है ना। चूना भरा है तुम्हारे दिमाग में। इन सब कमीनों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट देके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, चप्पल पड़ने चाहिए मुझे चेहरे पे। अच्छा वो एक बात छोड़ो, 1200 करोड़ रुपए आए थे पाइपलाइन के लिए, उसका क्या हुआ? सब अपनी अपनी जगह पर है, खोद के देख लीजिए। क्या खोद के देख लीजिए? 8 फीट की जगह 2-2 फीट के पाइप लगाए आपने, हवा भी नहीं आती उसमें से, और उसमें ये इंजीनियर भी उस घोटाले में शामिल है। हाँ शामिल हूँ मैं, लेकिन वो नैनीताल में हमने जो आपके लिए फार्म हाउस बनवाया वो कैसे बनवाया पता है आपको? 8 फीट की जगह 2 फीट का पाइप डाल के जो पैसा बचा वो सब फार्म हाउस में डाला है। कोई हिसाब किताब है आपके पास? बस 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 बस, मुझे पहले से पता था तुम लोग आपस में ही घपला करोगे, जात ऐसी है तुम लोगों की। इसके लिए मैंने सबके लेन देन का हिसाब रखा था ना। अब वो फाइल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास है, कोर्ट और इंक्वायरी होगी तो सबके सब लटकने वाले हैं, याद रखना। अगर मैं गलती से पकड़ा गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारी मीडिया के सामने सबकी ढोल बजा दूंगा। चिचा आईला, कोई अंदर नहीं जाएगा और वो कमिश्नर भी कोई केस वेस नहीं करेगी। बस आप लोग खुद अपने मुंह में उंगली डालकर अपनी गंदगी मत फैलाओ। मुझे पता है मुझे क्या करना है।